वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy। लीडर भाई उतरा है उधर, तुम बेकारी तो नहीं है ना कि तुम बेकारी छोटे से पीपड़े से जहाज में एयरफोर्स के उतरते हो और उतरते कटोराज में। यल्ला हबीबी अल्लाह के नाम पे दे दे, हमारी तो हमारा तो ये उतरती हमारा ये नारा होता है, हमारा जहाज के तोता इतना सा होता है, छोटा सा। और भाई मोदी उतरा है ब्रुनेई से, बड़ा तो उसका जहाज था। बिल्कुल, वो जा तो यकीन था, जब उतरा है तो सारे लाइन में स्वागत के लिए खड़े थे। मैंने एक देखा है कि मोदी एक औरत के पास है, गुजरे थे, उसने भी नमस्ते झोंके किया है मोदी। तो अंदाजा लगा कितनी रेस्पेक्ट अपनी बना ली दुनिया में मोदी जी ने, बंदा सोच ही नहीं सकता यार। भाई आपको देखो, आर्मियां लाइन में ब्रुनेई की लगी हुई थी, और भाई ऐसी आर्मी लगी हुई थी कि जैसे उन लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा देश। बिल्कुल, ब्रुनेई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया, प्रिंस ने, और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनेई की तरफ से, रेड कार्पेट वेलकम। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनेई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्री। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे। उन्होंने देखे 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं। भारत ये कह रहा है कि हम आपसे और गैस खरीदना चाहते हैं। अब भारत को ये पता लग गया है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ब्रुनेई। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हर वो मुल्क जो मुसलमान मुल्क है, इंडिया उसके करीब हो रहा है, और ये मोदी साहब की पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, ये वो ही डज इट डेलिब्रेटली, वो इस तरह की चीजें करते हैं। मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। ये ऐसी ऐसी जगह निकाल के लाते हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि यार यहाँ पे भारत और वहां पे भारत के प्रधानमंत्री। इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू ब्रुनेई, जहाँ पे 40 साल से कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, भारत के रडार में था ही नहीं कभी ब्रुनेई। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा देश जिसका हमने नाम शायद ही कभी अपनी जिंदगी में सुना हो, जिसकी टोटल आबादी सिर्फ 5 लाख की है और जहां 14,000 इंडियन बसते हैं। ब्रुनेई एक इस्लामिक कंट्री है जो इंडोनेशिया के करीब है। वहां आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और उनको देख ब्रुनेई के सुल्तान और वहां की शहजादी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और गले झुकाकर पीएम मोदी का सम्मान किया। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि चाहे सऊदी हो या कतार, दुनिया का हर इस्लामिक देश पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड देकर उनका रेड कार्पेट वेलकम करता है, और यही कारण है कि मोदी जी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। ब्रुनेई से आई ये तस्वीर देख आज पूरा पाकिस्तान जलन से पागल हो चुका है। इस्लामिक देशों में भारत का बढ़ता रुख देखकर अपना सर पीट के रो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की, जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ, कि ये क्या बात है कि ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनेई दारुस्सलाम हाजी अल मुक्तदी बिरला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए अगर ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह ये है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनेई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम,
दुनिया की फिफ्थ इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है, इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं, उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान, ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है, इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, अच्छा। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहायशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की, और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा अच्छा, जाता है जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है जी। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो के इस वक्त दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़े हैं, यानी देखिए ना बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशंस, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, उसमें इंडिया भी शामिल है। बंदा सोच भी सकता तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके तो यही देख लीजिए ना आप क्या सूरत हाल, ये देखिए ये जो है लीडर भाई उतरा है उधर, तुम बेकारी तो नहीं है ना कि तुम बेकारी छोटे से पीपड़े से जहाज में एयरफोर्स उतरते हो और उतरती कटोरा में, यल्ला हबीबी अल्लाह के नाम पे दे दे, हमारी तो हमारा तो ये उतरती हमारा ये नारा होता है, हमारा जहाज के तो इतना सा होता है छोटा सा, और भाई मोदी उतरा है ब्रुनाई से बड़ा तो उसका जहाज था, बिल्कुल जा तो यकीन का जब उतरा है तो सारे लैंड में स्वागत के लिए खड़े थे, मैंने देखा है कि मुझे एक औरत के पास गुजरे थे उसने भी नमस्ते झोंके किया है, तो अंदाजा लगा कितनी रेस्पेक्ट अपनी बना ली दुनिया में मोदी जी ने, बंदा सोच ही नहीं सकता भाई। आप देखो आर्मी लाइन में ब्रुनाई की लगी हुई थी और भाई ऐसी आर्मी लगी हुई थी कि जैसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा देश, बिल्कुल वो मोदी जी का स्वागत, बिल्कुल, और उससे छोटे से देश इस्लामिक कट्टर देश ने मोदी जी का ऐसा स्वागत किया कि पाकिस्तान की फाड़ के रख दी, आज 57 इस्लामिक देश पाकिस्तान पर थूकते नहीं है और मोदी जी के कदमों में 57 इस्लामिक देश जा रहे हैं यार, रेड कार्पेट पे छा के उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो पेश किया गया है वो वर्ल्ड लेवल का यार। अब जो भाई वहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैन उनको होस्ट किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा, आप अंदाजा लगा, और जो चबूतरे पे उन्हें सलामी दे गई है जिसके चबूतरे पे वो खड़े हुए उसमें हर बंदे को नहीं खड़ा करते मोदी जी को, खड़ा करके सलामी दी, क्योंकि वो एक सुपर पावर देश का सुपर पावर लीडर है पाकिस्तानी, तुम हिंदू हिंदू को काफर काफर करते हो ना, आज उस हिंदू की दुनिया और तुम्हारे मुसलमान देश गुलाम है, तुम साले गटर के कीड़े थे और हमेशा रहो। मुझे आज पता चल गया कि इस्लामी देश में मोदी जी का स्वागत देख कितने लोग एयरपोर्ट पे आए और उनका स्वागत करने के लिए लेवल ही कर दिया, 5 लाख की आबादी में यार। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू।